हमारे गोल्ड रूम के शहंशाह को यहाँ पे फिर से लेके आ रहे हैं हम, यस नोयान को। दिस इज द प्लान बी जो हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं अभी। प्लान ए जो था वो फेल हो चुका है। अरे क्या बात है, सवेरे सवेरे आ गए, वेरी गुड। चलो अच्छा आ गए, अच्छा आ गए यार, काफी काम बचे हुए, काफी काम बचे हुए, काफी काम हम निकाल रहे हैं सवेरे के 10:30 बजे आ गए। चलो भाई पहले गोल्ड रूम में जाते हैं और इनको फीड खिलाते हैं। इनकी आवाज से बड़े परेशान है हम, सिर्फ इनकी नहीं, हमारे वो वाले गोल्ड रूम में भी जो आवाज करते हैं उनसे परेशान है। क्या परेशानी है भाई, क्या परेशानी है, बहुत परेशान कर रहे हो तुम लोग। परेशानी सिर्फ एक ही चीज की है, जो आवाज करते ना ये लोग, इसी चीज की और कोई भी चीज की नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, वहां भी और यहाँ भी। यही आवाज के चलते हम कुछ चेंजेस करने वाले। वो क्या चेंजेस करने वाले मैं बताता हूँ आप लोग, रुक जाओ। और तुम रात में खुल गए थे, रात में खुल रही थी ये भाई, ये खुल के ये दोनों आपस में लड़ रहे थे। रात को 12 बजे आके फिर मैंने उसको अंदर डाला। भाई देखिए यहाँ पे तो कोई दिक्कत थी नहीं, वहाँ पे जो है ना दिक्कत आ रही है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ना, हम लोग जब तक करेंगे ना हमको समझ में कैसे आएगा। हम लोगों को वहाँ पे सिर्फ ये जो आवाज कर रहा है ना, इस चीज की दिक्कत आ रही है। तो उसके चलते ना हम कुछ चेंजेस करने वाले है, तो वो चेंजेस देखने के लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। पहले इनको फीड खिलाते हैं और फटफट झटपट फटाफट यहाँ से निकलते हैं, भैया के साथ कुछ सामान लेके आना है। चलो दे रहा हूँ फीड तुमको, 5 मिनट देना बस। चलो भाई इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, ये ट्रे की, एक ट्रे की पड़ेगी। हाँ सही है, चलो भाई जहां पर जाना था जाके आ गया मैं। इसको रख देते हैं यहाँ पे। इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो ये बता दूं, जहाँ पे मुझे जाके आना था वहां जाके आ गया मैं, बहुत सारा माल लेके आया हूँ, मगर वो आज नहीं मिलेगा। आज महाराष्ट्र बंद रहने की वजह से हमने सिर्फ माल की खरीदी कर ली है, वो माल हमें कल मिलेगा, मगर आज काफी सारे काम है। क्या काम है बेसिकली, देखो भाई क्या होने वाला है। मैंने बताया जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे थे उसके सोल्यूशन पे हम आए हुए हैं। जो कारण से हमने ये सारे केजेस बनाए थे, वही कारण से वो वाले जो गोल्ड रूम है वहां पे भी हम सारे के सारे केजेस बना रहे हैं। और जो वहां पे हम कर रहे थे वो अब यहाँ पे करेंगे, और जो यहाँ पे चल रहा था वो वहां पे करेंगे। आप लोग बस वीडियो के साथ बने रहिए, धीरे धीरे कहानी में जैसे आगे बढ़ेंगे हम बताते हैं आपको क्या होने वाला और क्या करने वाले। पहले तो ये सारी जगह खाली कर देते हैं, ये पूरा जैसा पहले था वैसा ही हो जाएगा। पहले सब मेडिसिन इसमें रख देते, सारी जो चीजें है सप्लीमेंट मेडिसिन एवरीथिंग इसमें रख देते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे इसकी जरूरत ही नहीं है। आपसे सारी चीजें जो है, सारी की सारी चीजें हट जाएगी। थोड़ा टाइम है पानी के लिए, वेट करो फिर हरी पत्ती भी मिल जाएगी। 12:30 बज रहे भाई दोपहर के, तब तक हम ये कर लेंगे, 1 बज जाएंगे पानी भी पिला देंगे, मगर सबसे पहले दवाई ली जाए। बड़े आसानी से सारी चीजें जो है समेट ली हमने। हमने सोचा था एक ट्रे में हो जाएगा हमारा का, मगर एक ट्रे में नहीं, 2 ट्रे लगी हमें। दिखता कम है मगर बहुत ज्यादा है वो। चलो भाई तुम्हारा भी हटने का वक्त आ चुका है यहाँ से, टेम्पररी, जब तक वहां का काम नहीं होता तब तक। बाद में सारी चीजें कैसी कैसी होगी वो तो वक्त के साथ साथ आपको पता चल जाएगी, फिलहाल ये कर रहे हैं हम। तुम्हें हटाते हैं, फिर वो फीड के ड्रम्स हटाते हैं, सब कुछ करते हैं, साफ सफाई करते हैं, और फिर हमारे गोल्ड रूम के शहंशाह को यहाँ पे फिर से लेके आ रहे हैं हम, यस नोयान को। दिस इज द प्लान बी जो हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं अभी। प्लान ए जो था वो फेल हो चुका है। जहाँ से हटाया था फिर वही पे, मगर सब उसमें अनाज पड़ा हुआ है, वो सारे डब्बे बाहर ही है, खाली डब्बे अंदर और मेडिसिन अंदर चली गई। यहाँ पे फिर से जैसे पहले था वैसा ही हो चुका है। ये वाला केज जो है फिर से यहाँ पे हमारे जो जानवर थे वही आ जाएंगे, और नोयान भी जो है यहाँ पे आ जाएगा। ऑल दिस व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ इज टेम्पररीली फॉर एटलीस्ट फॉर 3-4 डेज। चलो लेके आता हूँ मैं उनको, सबको शिफ्ट करता हूँ, और फिर बताता हूँ आपको वहां पे क्या करने वाला हूँ मैं। करने क्या वाला हूँ, काम शुरू ही कर रहा हूँ डायरेक्ट। ऑलराइट, फाइनली सब लोग यहाँ पे शिफ्ट हो चुके हैं, नोयान भी और बाकी के हमारे दोनों बकरिया ही। क्या बकरिया करते रहता हूँ मैं, नाम रखना है ना हमें, हमारे पास बस एक नाम बचा हुआ है अभी, एक नाम बचा हुआ है, इन द सेंस कि एक ही बकरी का नाम बचा हुआ जो हमारी नबियों की बकरियों में से बकरी थी। आ गए मेरी जान, देखो यहाँ पे हालत देख रहे हो तुम लोग, ये बस मैंने आज सवेरे साफ नहीं किया है, क्योंकि माल ले गया ना यहाँ, वो उस वजह से यहाँ का साफ नहीं हुआ है। यहाँ पे भी देखो ये सब देख रहे हो, एंड आई डोंट लाइक दिस। रोज जो है रोज यहाँ पे साफ सफाई हो रही थी, एकदम अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। वहां पे बस दिक्कत थी कि नोयान बार बार टॉयलेट कर रहा था ये बकरियों के वजह से, और उसमें से एक जो बकरी थी वो हीट पे आ गई थी,
और उसे हम क्रॉस नहीं करवा सकते थे क्योंकि वो अदंत थी। दूसरी जो दो दाग वाली थी वो हीट पे नहीं आई, अगर वो हीट पे आ जाती तो क्या ही बात होती भाई, क्या ही बात होती। तो उस वजह से ना बहुत दिक्कत हो रही थी पिछले चार पांच दिनों से, यहाँ पे नोयान चिल्ला रहा है, वो बकरी चिल्ला रही है, फिर हमने एक बकरी को तो जगह पे बांध के रख दिया। क्यों? क्योंकि यहां से जो है ना कूद कूद के बाहर आ रही थी बार बार। तो पहले दो दिन तो हमने वहां बांधा वीक एंड्स पे, फिर यहाँ पे बांधा अभी हमने। तो ये सारी चीजों की जो है ना दिक्कत हो रही थी। और यहाँ पे जो है ना स्मेल का कोई प्रॉब्लम नहीं, दिन भर डोर खुला रहता था, ऊपर से जालियां लगी हुई है ये वाली, तो वेंटिलेशन का कोई प्रॉब्लम था, यहाँ पे स्मेल भी नहीं थी। बस दिक्कत ये थी कि यहाँ पे हमने गलत चीजें चूज कर रही थी रखना, यानी कि खाली बकरिया और बकरा हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया था, जो सबसे बड़ी गलती थी हमारी, वो हमने नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि वो लोग इतना चिल्ला रहे और वहां से भी कुछ जानवर चिल्ला रहे तो यहाँ का चिल्लाना शुरू करते, यहाँ का चिल्लाना शुरू करते। इस वजह से हम एक नतीजे पे पहुंचे। क्या नतीजे पे पहुंचे? पहले तो यहाँ का काम शुरू करते और फिर बताते वो नतीजा क्या है। पहले तो साफ सफाई करनी पड़ेगी। और ये खूंटा जिसपे हमने इतनी मेहनत की कि आपको पता ही है, इंस्टाग्राम वालों को ही पता है और यूट्यूब वालों को ही पता है, ये खूंटा एक बार गाड़ा था, फिर निकाला, फिर उसके बाद गाड़ के फिर ये मजबूत हुआ। मगर अब ये खूंटा जो है, ये खूंटा यहाँ नहीं रहेगा, ये कट कर देंगे हम, ये खूंटा निकल जाएगा भाई यहाँ से, और काफी सारी चीजें हो जाएगी ये रूम में, बहुत सारी हमारे सहूलत के हिसाब से। मैं जैसे बताता हूँ ना हमेशा कि वो गोट रूम भी जो मैंने बनाया है वो मेरी सहूलत के हिसाब से बनाया है। ये वाला गोट रूम भी जो बना रहे हम फिर से हमारी सहूलत के लिए बना रहे। प्लान ए नहीं चला तो प्लान बी जो वहां पे किया वही हम यहाँ पे कर रहे हैं, मगर नए तरीके से। देखना आप लोग बने रहिए कहानी के साथ, आपको पता चली जाएगा। पहले तो रूम साफ करते हैं, बहुत गंदगी हो गई है। चलो ये देखो इतना फीड भी छोड़ दिया है। जब से यहाँ शिफ्ट किए थे हमने नोयान को, नोयान थोड़ा सा दिक्कत दे रहा था, बस वो मस्ती करने में लगा हुआ था। चलो भाई पानी पी लिए, हरी पत्ती खाने में भी हो गया, अभी ये तो हम भी खाते है और वहाँ के काम के लिए लग जाते। वहाँ का तो साफ हो गया पूरा, गोल्ड रूम पूरा क्लियर कर दिया है उसको, बस वहाँ पे काम शुरू करना है। दोपहर के 1:30 बज रहे भाई। चलो भाई कुछ तो सामान आया, ये हम ही लेके आए जाकर। कितना सारा है देखो, ये इतना सारा जो है सारा का सारा काम में आएगा, उपयोग में आने वाला है, इसीलिए तो इतना लाए, फिर भी एक आइटम नहीं मिला है, वो कल लेके आएंगे। आखिरी बार ये दरवाजे से अंदर जा रहे हैं हम, ये कल से ये दरवाजा नहीं खुलेगा, ये यहाँ रख देते हैं फिलहाल। सही सुना आप लोगों ने, कल से ये दरवाजा नहीं खुलेगा। ये रूम में आने जाने का जो एक्सेस है हमारा वो चेंज होने वाला है, वो ये नहीं रहेगा। अब वो कहाँ होगा वो आपको पता चलेगा कल वाले ब्लॉग में। कल बहुत सारा काम होने वाला है, ये कल कहीं पे जाना था वो भी कैंसिल कर दिया मैंने इसके लिए। और ये जो निकलने वाला था हमारा, ये भी निकालना कैंसिल कर दिया, ये निकलेगा नहीं, ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा। बहुत सारे चेंजेस होने वाले है, प्लान बी कल से इम्प्लीमेंट होने वाला है इंशाल्लाह। चलो फिलहाल के लिए लाइटें बंद करते हैं, यहाँ से चलते हैं, कल एक नए लुक के साथ आपको ये रूम देखने मिलेगा। ये डस्टबिन बॉक्स को यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि इसकी जगह भी बदलनी पड़ेगी। अब ये यहाँ पे पुरानी वाली जगह पर सही है। बहुत सारे चेंजेस होने वाले भाई, कल पता चलेगा। हमने तो हमारे दिमाग में सारी चीजें बना ली है कि क्या हमें करना और क्या नहीं करना है, बस वो कल से इम्प्लीमेंट होगा। सब उठ गए मेरे आते ही, वेरी गुड जी, वेरी गुड। रोलेक्स को कहाँ रखूंगा, अजवा को कहाँ रखूंगा, इतराफ को कहाँ रखूंगा, बरका को, सुकिया को, रैम्बो को कहाँ रखूंगा, इसको वर्षा को कहाँ रखूंगा और गैसा को कहाँ रखूंगा। सब कुछ डिसाइड हो चुका है, सब कुछ यहाँ पे है। जैसे ही वो गोट रूम बन जाएगा इंशाल्लाह हम हमारे एक एक करके सारे जानवर जो है शिफ्ट कर देंगे, और जो दिक्कत की वजह से हमें चीज कर रहे उसको मद्देनजर रखते हुए करेंगे। क्या दिक्कत आ रही है पता है ना आप लोगों को? बस आवाज, जो जानवर शांत कामली अच्छे से रहेंगे वो वहाँ पे रहेंगे, और वो हमको कौन से जानवर रखने वहाँ पे वो भी डिसाइडेड है, इंशाल्लाह बताता हूँ पूरा एक बार बनके रेडी हो जाए, सारी चीजें हो जाए मैं फिर आपको विस्तार से बताता हूँ। फिलहाल तो कल का इंतजार करते हैं, आप लोग भी इंतजार करिए, और ये ब्लॉग को मैं यहीं तक रखता हूँ। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कर देना चैनल पे, अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। स्टे सेफ, पीस, हास्ता ला वीस्ता, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड गुड बाय। इन दोनों का नाम, एक नाम बचा हुआ है, एक वो नाम दे देंगे और एक नाम देंगे अब माही और आमना बहुत वक्त से बोल रही है, वो वाला नाम दे देंगे हमारी बकरी को, और वो हम रिवील करेंगे एक दो दिन में, पहले वहां का काम खत्म हो जाए, इनके नाम नाम की बात करते हैं। फिलहाल आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो इनके नामों के लिए, एक नाम कोई भी सजेस्ट कर देना। चलो भाई अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड गुड बाय। वन सेकंड, आ रहा हूँ तुम्हारे पास पानी पिलाने, आ रहा हूँ मेरी शांत बकरी।